दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहां का दुबई शहर अपनी खूबसूरत शहर और बिल्डिंगों के लिए मशहूर है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको हैरान कर देगी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आलीशान शहर का बादशाह दुबई बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है और लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ आपने अभी तक तेल के कुओं और रेगिस्तान के साम्राज्य के बारे में सुना था, वहाँ भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये तबाही असली बारिश से नहीं बल्कि नकली बारिश से आई है। कुदरत से की गई छेड़छाड़ यूएई पर भारी पड़ गई है। तभी तो कहा भी गया है कि प्रकृति से इतनी ही छेड़छाड़ करो जितना वो झेल सके, नहीं तो जब वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो सब कुछ तबाह कर देगी, जिसका जीता जागता उदाहरण यूएई के सामने है। आखिर कैसे यूएई में ये बर्बादी हुई है और क्या है वहाँ के हालात, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो पूरी तरह से तकनीकी युग में बदलने की ओर बढ़ रहा है, जिसके कई उदाहरण भी हमारे सामने आए हैं। इस तकनीक के जहां बहुत सारे फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। हम लगातार नेचर से छेड़छाड़ करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यूएई भी हो सकता है, जहां आर्टिफिशियल बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि वहां रह रहे लोगों की जिंदगी ही मुश्किल में पड़ गई है। दोस्तों, यूएई की इस तबाही के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस आर्टिफिशियल बारिश के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई में रेगिस्तान फैला हुआ है, जिससे यहां गर्मी में ऐसा कहर बरसता है कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। कुदरत ने यहाँ बारिश की कमी रखी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस गर्मी से बचने के लिए नकली बारिश करने के बारे में सोचा। पिछले कुछ सालों से यूएई नकली बारिश यानी क्लाउड सीडिंग करा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। इस बारिश की तस्वीरें यहाँ के मौसम विभाग की साइट पर भी अपलोड की गई थी। जानकारों का कहना है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से ये बारिश कराई गई थी। इस नकली बारिश को हम ऐसे समझाते हैं जैसे कि हम, आप जानते हैं कि सभी बादल बरसते नहीं हैं, नमी से भरे बादल ही खुद बरसते हैं। लेकिन जो बादल बरसते नहीं हैं, तो ऐसे में उन बादलों से बारिश कराने के लिए वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक बनाई है जिससे वो बादल को बरसने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसे ही क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेनिंग कहा जाता है। आप क्लाउड सीडिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे स्टडी का मूड ना होने पर भी आपके मम्मी पापा डांट कर आपको पढ़ने पर मजबूर करते हैं। इसी तरह क्लाउड सीडिंग से बादलों को बरसने को मजबूर किया जाता है। इस तकनीक में बादलों को बिजली का झटका दिया गया है ताकि वो आपस में घर्षण करें और बारिश पैदा करें। यहाँ के मौसम विभाग ने यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के विशेषज्ञों के नेतृत्व में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके बारिश का निर्माण किया है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात पृथ्वी पर सबसे शुष्क देशों में से एक है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। ये दुनिया के टॉप 10 सबसे शुष्क देशों में शुमार है, जहां औसत बारिश सिर्फ 3 इंच है। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि उसे उम्मीद है कि ये तकनीक देश में बारिश को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस परियोजना पर काम करने वाले प्रोफेसर मार्टिन अम्बाउंग ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में बारिश करवाने के लिए पर्याप्त बादल हैं, यानी यहां बारिश हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी में बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ने के लिए एक ड्रोन का उपयोग किया जाता है, जो पानी की बूंदों को एक साथ जुड़ने में मदद करता है और बारिश पैदा करके कारक का निर्माण करता है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों की कंडीशन भी जरूरी होती है, यानी कि जैसे ही बादल देखे जाते हैं ड्रोन लॉन्च कर दिए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ही बारिश हो, कई बार बारिश नहीं भी होती, लेकिन ज्यादातर मामलों में बारिश हो ही जाती है। यूएई का क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन देश में बारिश पैदा करने के लिए एक मिशन चला रहा है। इस मिशन पर $15 मिलियन खर्च किए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया। भारत के भी कई राज्यों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने साल 1983, 1984 से 87 और 1993 से 94 में इस पर काम किया। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003 से 2004 में कृत्रिम बारिश कराई। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया है। IIT कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोध चल रहा है, जिसके लिए HAL विमान उपलब्ध कराता है। दिलचस्प बात तो यह है कि क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज हवाई अड्डों में धुंध और बादल कम करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो क्लाउड सीडिंग कराई जाती थी, तब इसकी तकनीक अलग थी, जिसके बारे में भी आपको बता देते हैं। परंपरागत क्लाउड सीडिंग, इसके तहत वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए कुछ रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव करते थे। ये कण हवा में मौजूद पानी के वाष्प को आकर्षित करके बादल बनाते थे, जिससे बारिश होती थी।
आधुनिक ड्रोन क्लाउड सीडिंग। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके तहत बिजली का करंट देकर बादलों को आवेशित किया जाता है। ये तकनीक परंपरागत विधि के मुकाबले हरित विकल्प मानी जाती है। इसके तहत बादल बनाने के लिए बैटरी संचालित ड्रोन के जरिए विद्युत आवेश का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग करते हैं। विमान के जरिए भी यह काम हो सकता है। वहीं बैटरी से चलने वाले ड्रोन पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग को जाता है, जो साल 2017 से इस तकनीक पर काम कर रहा है। यूएई ने आर्टिफिशियल बारिश की तकनीक गर्मी से राहत पाने के लिए की थी, लेकिन अब ये उनके लिए आफत बन गई है। अब यहाँ बारिश खुद ही बरस रही है और अब जो हालात हो गए हैं वो सब देख ही रहे हैं। बारिश के चलते यहाँ भयानक स्थिति पैदा हो गई है। कई घर पानी में डूब गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई के पास शारजाह, रास अल खेमा और फुजरा बाढ़ के पानी से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रेगिस्तान के इन शहरों में बाढ़ आ गई है। पिछले 27 सालों में पहली बार इतनी भयानक स्थिति देखी जा सकती है। कई वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वो शहर है जो भारतीयों के लिए खास आकर्षण रखते हैं। ये शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये शहर अब बाढ़ से घिरे हुए हैं। समुद्र पर अतिचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे यहाँ देखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कुदरत से इतनी छेड़छाड़ ना करें कि जिसके बाद इंसान उसे झेल पाने की स्थिति में ही ना हो। फिलहाल यहाँ बारिश रुक गई है, लेकिन यहाँ के मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दुबई में फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है, जिससे फिर से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। दोस्तों, कृत्रिम बारिश को लेकर पहले भी चेतावनी जारी की जा चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग करके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, इससे न केवल पारिस्थितिकीय विषमता पैदा होगी बल्कि महासागरों का जल अधिक अम्लीय हो सकता है। इसके अलावा ओजोन स्तर में क्षय, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होने का खतरा बताया गया है। सिल्वर एक जहरीली धातु है जो वनस्पतियों और जीवों के लिए नुकसानदायक है। वहीं यूएई में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं जो काबू में ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ के फुजरा के बंदरगाह स्टेशन पर करीब 255 मिलीलीटर बारिश हुई है। वहीं मसाफी में 209 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ में फंसे 900 लोगों को बाढ़ वाले क्षेत्र से निकाला गया है। वहीं 3,897 लोगों को शाज और फुजरा के शेल्टर में रखा गया है। दोस्तों, यूएई के आंकड़े हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम अगर अपनी कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। अब आगे क्या करना है, ये आपको सोचना होगा।